Om Shanti. Good morning. Every day, the sun of knowledge. <laughs> oh. इज कॉल्ड संस्कार यह संस्कार बाबा ज्ञान सूर्य हम आत्माओं को मन की रोशनी देते हैं दिव्य बुद्धि देकर अंतर मन में क्या चल रहा है चित्त में किस बात का चिंतन चल रहा है स्वचिंतन है या पर चिंतन है जो चित्त में बैठ बैठ बात बैठ जाती है उसका चिंतन चलता है मन को जो बात जचती है उसका मंथन होता है मन में मंथन बुद्धि ने जो ग्रहण किया बुद्धि डायरेक्ट करती है मन को मंथन के लिए फिर जो चित्त को मन को जच गया अथवा प्रभाव में जो आ गया वो सु, कर्म में आके संस्कार बन जाता है तो बाबा आज हमारा संस्कार खुशी का बन जावे विचार इतने दिव्य हो जो विचार सागर सागर की गहराई में जाकर के विचार रत्न हो जावे व्यर्थ विचार न चले और चित इतना निर्मल हो जो शुभ चिंतन ही रहे क्योंकि संस्कार तो रिजल्ट है ना तो रिजल्ट में फिर खुशी होगी सुख का लेन देन होगा दूसरी बात आज बाबा ने मुरली में बाप की याद वास्तव में आत्मा को भूल नहीं सकती ये रॉन्ग है कहना जो बाबा बार बार कहते क्यों कहते हो बाबा की याद भूल जाती है बाबा भूल जाता है बाप की याद नहीं भूल सकती क्यों कि जिस चीज का अविनाशी आत्मा ने अनुभव कर लिया है वो अनुभव सदा साथ रहता है आत्मा अविनाशी है बाप द्वारा मिली हुई प्राप्ति भी आत्मा को अविनाशी है तो वो प्राप्ति ही याद है ना याद करने का मतलब क्या जो मिली हुई चीज है वो याद आना बाप की याद है तो फिर भूल क्या जाता है ज्ञान भूल जाता है ज्ञान भूल गया तो बुद्धि रोंग कर्म करने लगती है समझ बदल जाती है इसलिए ज्ञान सागर बाबा सब से पहले आकर के बार बार गीता ज्ञान दाता, ज्ञान दाता, ज्ञान की महिमा है ज्ञान सागर एक निराकार परमात्मा ही हो सकता है तो ज्ञान दे करके फिर आत्मा को इसलिए जिन भक्ति वर्ग वाले परमात्मा को याद करते हैं पर ज्ञान नहीं इसलिए याद नहीं कर सकते हम भी भक्ति में ज्ञान भूल जाते हैं तो भक्ति करना शुरू कर देते हैं महिमा करना शुरू करते हैं याद नहीं करते इसलिए रोंग महिमा करने लगते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है तीसरी बात बाबा ने आज बताई है बाबा ने हमको क्या कहा अल्लाह मिया ने कौन सा फरमान दिया आज भी गीत में अभी नहीं सो सबसे बड़ी पवित्र था हम बच्चों को पवित्र बनाने वाले ने फरमान क्या दिया अल्लाह मियाँ ने किनको फरमान दिया किसको श्रीमत दी बच्चों को ही फरमान किया क्या फरमान किया वो फिर आप ध्यान से सुनना तीसरी बात आज की मुरली में है कॉन्ट्रास्ट है धर्म पिता और परम पिता में परम पिता आकर के धर्म भी स्थापन करते हैं और साथ साथ राज्य भी स्थापन करते हैं राज्य भाग्य पाने के लायक बनाते हैं धर्म पिता धर्म स्थापन करते हैं पर राज्य पाने के लायक नहीं बनाते वर्षा देने के लायक नहीं बनाते वरासत नहीं देते और एक भी और बहुत अच्छी बात है पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं पढ़ाई से हमको लायक बनाते हैं अधिकारी बनाते हैं फिर भाग्य बनाना है राज्य मिलता है पढ़ाई से भाग्य मिलता है कैसे भाग्य मिलता है श्रेष्ठ कर्म से भाग्य मिलता है सुदामा ने परमात्मा के साथ अकाउंट बनाया उसकी यादगार है भाग्य उनका बनता है जिसने भावना से प्रेम से परमात्मा के प्रति समर्पण किया कुछ भी समर्पण सब समर्पण किया तो सुदामा को महल मिले भाग्य बनाया सुदामा ने अपनी प्रेम भावना से पढ़ाई भगवान ने पढ़ाई एक बात और भी आज की मुरली में बहुत अच्छी है कॉन्ट्रास्ट है तीन तरह के बल का तीन तरह की पावर्स एक है योगा पावर उससे क्या प्राप्त होता है दूसरी है साइलेंस पावर उससे क्या प्राप्त होता है और तीसरी है बाहुबल वायलेंस पावर या बाहुबल शारीरिक बल उससे क्या रिजल्ट निकलती है तीन तरह के बल पावर ने आज की मुरली में सुना है बहुत सारी और भी बातें बहुत हैं आप ध्यान से सुनेंगे नोट करेंगे तो आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निक, निकलती रहेंगी खुशी में रहेंगे प्रश्न है इस ड्रामा में सबसे बड़े ते बड़ी कमाल किसकी है और क्यों ड्रामा में सबसे बड़े ते बड़ी कमाल किसकी है और क्यों सर्टनली <laughs> बाबा की या ड्रामा की ड्रामा में कमाल ड्रामा किया है या बाबा किया है बाबा किया है सबसे बड़ी कमाल शिव बाबा की है क्या कमाल है क्योंकि वो तुम्हें सेकंड में परिजादा बना देते हैं ब्राह्मण से फरिश्ता बना देते हैं ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता दूसरी पॉइंट ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधेरे से रोशनी में ले आना ठोकर खाने से बचा लेना ये बाप का ही काम है इसीलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई और कर नहीं सकता ओम शांति रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है किसको भी समझ में नहीं आता कि आत्मा क्या है परमपिता परमात्मा क्या है कौन है परमात्मा क्या है यानी उसकी एग्जिस्टेंस क्या है किसी को भी समझ में नहीं आता कि आत्मा क्या है परम पिता परमात्मा क्या है तुम बच्चों को पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं ये बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है आत्मा कर्म कर रही हो बाकी धंधा आदि तो करना ही है कोई बुलाएंगे किसी को भी बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे ना अब आत्मा, आत्मा तो ये तो नहीं कहेंगे गीता आत्मा नेवल आत्मा शांति आत्मा <laughs> नाम से बुलाएंगे ना कोई को भी बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे ना। नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ ये पक्का करना है कि हम आत्मा हैं महिमा निराकार की ही है अगर साकार में देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न सोला कला संपूर्ण श्री कृष्ण की महिमा तो बहुत है ना देवताओं की महिमा है अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उनको महिमा लायक बाप ने बनाया है तो बनाने वाले की महिमा है महिमा लायक थे फिर बाप महिमा लायक बना रहे हैं इसलिए निराकार की ही महिमा है विचार किया जाता है बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है सर्विस के आधार पर ही महिमा है वो समर्थ है वो सब कुछ कर सकते हैं हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं महिमा तो उनकी बहुत है मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया मुसलमान में धर्म में परमात्मा के 99 नाम हैं मतलब हर नाम गुण और कर्तव्य से संबंधित है जैसे भारत में भी इतने मंदिर हैं परमात्मा के गुण और कर्तव्य की महिमा सिद्ध करते हैं मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया अब फरमाया किसके आगे बच्चों के आगे फरमाते हैं बच्चों को डायरेक्शन देते हैं बच्चों से बोलते हैं बच्चों के आगे फरमाते हैं कौन से बच्चे जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो फरमाया डायरेक्शन दिया देवता बनने के लिए अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना तुम बच्चों को ही समझाते हैं जिसका कोई को पता नहीं है अभी तुमको पता पड़ा है फिर ये नॉलेज ही गुम हो जाएगी जो नॉलेज अभी मिल रही है वही गुम हो जाएगी बुद्धि भी ऐसे कहेंगे क्रिश्चियंस भी ऐसे कहेंगे परंतु क्या फरमाया था ये किसी को पता नहीं बाप तुम बच्चों को अल्लाह और बे समझा रहे हैं आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकते आत्मा अविनाशी है आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती है जो अंदर चित्त में अनुभव चला गया ना आत्मा की आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती है बाप भी अविनाशी है गाते हैं अल्लाह मिया ने ऐसे कहा था परंतु वो कौन है क्या कहते हैं कुछ भी नहीं जानते अल्लाह मिया को ठिक्कर भितर में कह दिया तो फिर जानेंगे क्या भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं अब तुम समझते हो जो भी आते हैं प्रार्थना करते हैं पर समझ नहीं है प्रेयर करते हैं महिमा करते हैं ज्ञान नहीं है अब तुम समझते हो नेक्स्ट पॉइंट है ये जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना ही है क्राइस्ट बुद्ध जो भी आते हैं उनके पीछे सबको उतरना ही है चढ़ने की बात नहीं ये धर्म पिता और परम पिता में अंतर है चढ़ने की बात नहीं बाप ही आकर के सबको चढ़ाते हैं सर्व का सदगति दाता एक है और कोई सदगति करने नहीं आते धर्म पिता सदगति करने नहीं आते समझो क्राइस्ट आया किसको बैठ समझाएंगे इन बातों को समझने के लिए भी बुद्धि अच्छी चाहिए नई नई युक्तियां निकलनी चाहिए मेहनत करनी है रतन निकालने हैं मेहनत करनी है रतन निकलना निकालना है इसलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके लिखो फिर पढ़ो फिर चेक करो अपने लिखत को कि क्या क्या मिस हुआ नेक्स्ट पॉइंट बाबा का जो पाठ है वो चलता ही रहेगा बाप कला पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं ये बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को नीचे ही उतरना है वो किसको चढ़ाएंगे कैसे सीढ़ी नीचे उतरनी है पहले सुख पीछे दुख हर एक को पहले सुख पीछे दुख ये नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है विचार सागर मंथन करने की जरूरत है धर्म पिता जब आते हैं वो कोई की सदगति करने नहीं आते वो किसको चढ़ाएंगे कैसे वो तो आते हैं धर्म स्थापन करने ज्ञान का सागर एक है और कोई में ज्ञान नहीं है तो ज्ञान देने नहीं आते सृष्टि की आदि मध्यंत का ज्ञान देने नहीं आते इसलिए ज्ञान से ही सदगति होती है तो ज्ञान नहीं देते गुण सिखाते हैं ज्ञान से सदगति होती है तो ज्ञान का सागर एक ही बाप है और कोई सदगति करने नहीं आते वो आते हैं धर्म स्थापन करने ज्ञान का सागर एक है और कोई में ज्ञान नहीं है ड्रामा में दुख सुख का खेल तो सभी के लिए है दुख से भी सुख जाती है ड्रामा में पार्ट बजाना है बजाते हैं तो जरूर सुख होना चाहिए ना बाप थोड़ी दुख स्थापन करेंगे बाप तो सुख देते हैं विश्व में शांति हो जाती है न केवल सुख परंतु विश्व में शांति हो जाती है दुख धाम में तो शांति हो न सके शांति तब मिलती है जब सब वापस शांति धाम में जाएंगे फिर हमको क्या टेंशन रखना है हमें क्या नहीं भूलना चाहिए अभी क्या सदा याद रहे अटेंशन रहे घर जाना है और बाप बैठ समझाते हैं ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं बाबा हमारा भगवान हमारा साथी है हम बाबा के साथ हैं और दूसरी बात कौन सी नहीं भूलनी चाहिए बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने बाबा ने कहा ना ब्राह्मण फरिश्ता देवता बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने ये देवताएं सदगति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है जो बेहद के बाप की कमाल है जो तुमको परी ज्यादा बना देते हैं फरिश्ता बना देते हैं पढ़ाई से तुम परी बनते हो परिजादा प्रिंस है परिजादे को प्रिंस कहते हैं और परी ज्यादा परियों के बच्चे परी फीमेल को परी कहते हैं मेल को फरिश्ता कहते हैं तो परी ज्यादा भी बनाते हैं फरिश्ता भी बनाते हैं और परी ज्यादा प्रिंस को भी कहते हैं हाँ प्रिंस और फरिश्ता और प्रिंस दोनों बन बना देते हैं फारसी वर्ड है ये परी ज्यादा पढ़ाई से तुम परी बनते हो भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं माला फिरते रहते हैं। कोई हनुमान को कोई किसको याद करते हैं उनको याद करने से क्या फायदा बाबा ने कहा है महारथी जो बाबा एग्जाम्पल यूज करते हैं भक्ति मार्ग में फिर यूज होते हैं ना वो एग्जाम्पल्स बाबा ने कहा महारथी तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी है ये सब बातें बाप ही समझाते हैं बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितनी उनकी आव भगत करते हैं करते हैं वेलकम करते हैं हम सबसे बड़ा वेलकम किसको करते हैं और किसको नहीं किसने हमको कौन हमको लेने के लिए आया कौन हमको घर ले चल तुम किसका और आह्वान आज तुम और किसको आजान नहीं देंगे इस प्रकार की महिमा जो भगवान भगवान की महिमा है तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत है विष की पैदाइश है विषय विकारों की क्रिएशन है तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए ना केवल समझ पर फीलिंग आनी चाहिए तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए कि सतयुग में विश की बात ही नहीं वो अपना जितना प्योरिटी की फीलिंग बढ़ती चली जाती है तो वो संस्कार इमर्ज होंगे ना एक समझ समझ में लॉजिक चलता है फीलिंग में लॉजिक की बात नहीं है कन्विंस है सोल अपने आप से कैसे वहां रचना होगी तुमको अब फील ही ना आनी चाहिए कि सतयुग में विष की बात ही नहीं बाप कहते हैं मैं तुमको पद्मा पदम पति बनाता हूं सुदामा पद्मा पदम पति बनाना सब अपने लिए ही करते हैं जो हम भगवान से अपना अकाउंट पॉजिटिव क्रिएट करते हैं अपने लिए ही करते हैं गरीब निवास बाप है परंतु फायदा हमको होता है सब अपने लिए करते हैं बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो वो गीता सब सुनते हैं पढ़ते हैं भक्ति की गीता ये भी पढ़ता था ब्रह्मा बाबा भी पढ़ता था गीता परंतु जब बाप ने बैठ समझाया बाबा ने सन्मुख परपज ली बच्चों को समझाया तो वंडर खाया समझ में आ गई ना बात वंडर खाया बाप की गीता से ही सदगति हुई है ये मनुष्यों ने क्या बैठ बनाया है ब्रह्मा बाबा को वंडर लगने लगा रही हुआ ना मनुष्य क्या कहते हैं भगवान क्या कहते हैं बाप की गीता से सदगति हुई है मनुष्यों ने क्या बैठ के बनाया है गीता में कृष्ण का नाम डाला ना कहते हैं अल्लाह मिया ने ऐसे कहा परंतु समझते कुछ नहीं अल्लाह कौन देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते तो जो पीछे आते हैं वो क्या जाने देवता धर्म वाले ही ज्ञान को भूल गए वो क्या जाने है? जो पीछे आए हैं सर्वशास्त्र श्रोमणी गीता ही रोंग कर दी है तो बाकी फिर शास्त्रों में क्या होगा बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वो लोप हो गया है जो ज्ञान दिया वो गुम हो गया ज्ञान वो लोप हो गया नियरली लोप जैसे आटे में लून पिंच निशानियां रह गई हैं ज्ञान गुम हो गया अब तुम बाप से सुनकर देवता बन रहे हो बाप तो देव ज्ञान सुना रहे हैं देवता हमको क्या करना है फिर पुरानी दुनिया का हिसाब किताब सबको चुगतू करना है फिर आत्मा पवित्र बन जाती है उनका कुछ भी हिसाब किताब होगा तो वो चुग होगा हम भी पहले पहले आते जाते हैं हम आत्माएं है। फास्ट हिसाब किताब चुग कर लेती हम ही पहले पहले जाते हैं फिर पहले पहले आते हैं पवित्रता के संस्कार हिसाब किताब खत्म करने के संस्कार बाकी तो सब सजाएं खा कर हिसाब किताब चुग करेंगे संस्कार बना के नहीं जाएंगे ये फर्क है हिसाब किताब सब चुप करेंगे हम पवित्रता के संस्कार बनाते हैं चुग्तू भी करते हैं पवित्रता के संस्कार बनाते हैं वो चुप्तू करते हैं संस्कार नहीं बनाते पवित्रता के बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुग् करेंगे फिर वो क्यों नहीं आते स्वर्ग में कैसे बहुत सारी डिटेल इसमें आ जाती है तो बाबा कहते हैं इन बातों में जास्ती नहीं जाओ पहले तो निश्चय कराओ कि सबका सदगति दाता बाप है इस पर क्या था सहारनपुर से एक ग्रुप आया हुआ था बाबा के कमरे में बैठे थे तो उन्होंने प्रश्न पूछा था अच्छा सब धर्म वाले पवित्र बन गए फिर स्वर्ग में क्यों नहीं आते वो भी तो आने चाहिए ना उन्होंने भी तो खुदा को तो वो भी याद करते हैं बाकी धर्म वाले भी याद करते हैं तो फिर बाबा ऐसे में जवाब कि बहुत बातों में नहीं जाऊँ कि बहुत सिक्सटी अर्ली सिक्सटी की मुरलीज हैं सिक्सटी नहीं सिक्सटी सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन की मुरलीज हैं अच्छा इन सब बातों में जास्ती नहीं जाओ पहले तो निश्चय कराओ कि सबका सदगतिदाता बाप है टीचर गुरु भी वो एक ही बाप है वो है अशरीरी उस आत्मा में कितना ज्ञान है ज्ञान का सागर सुख का सागर कितनी उनकी महिमा है? है वो भी आत्मा आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है सिवाय परम पिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की महिमा कर नहीं सकते और सब शरीर धारियों की महिमा करेंगे यह है सुप्रीम आत्मा बगैर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के और कोई की हो नहीं सकती आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार हैं। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार हैं प्यार का सागर ज्ञान का सागर क्या ये आत्मा की महिमा है सागर ये परमात्मा की महिमा न कि आत्मा की महिमा है कोई मनुष्य की यह महिमा हो नहीं सके कृष्ण की हो ना सके वह तो पहला नंबर प्रिंस है बाप ने बाप में सारी नॉलेज है जो आकर बच्चों को वर्षा देते हैं इसलिए महिमा गाई जाती है शिव जयंती हीरे तुल्य है धर्मस्थापक आते हैं तो क्या करते हैं समझो क्राइस्ट आया उस समय क्रिश्चियंस तो है नहीं जब क्राइस्ट आया तो किसको क्या किसको क्या नॉलेज देंगे किनको नॉलेज देंगे क्या नॉलेज देंगे क्या नॉलेज है उनके पास तो क्या देंगे क्या देते हैं वो करके कहेंगे चलन अच्छी चलो डिवाइन वर्च्यू सिखाते हैं ये तो बहुत मनुष्य समझाते रहते हैं बाकी सदगति की नॉलेज कोई दे ना सके उनको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है हर एक धर्म वाले को ना हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है सतो रजोतमो में आना ही है आने से ही क्रिश्चियंस की चर्च कैसे बनेगी फॉरेन चर्चेस नहीं बनती हैं जब बहुत होंगे भक्ति शुरू होगी तब चर्च बनेंगे उसमें पैसे बहुत चाहिए लड़ाई के लिए भी पैसे चाहिए तो बाप समझाते हैं ये मनुष्य सृष्टि झाड़ है नेक्स्ट पॉइंट मनु सृष्टि एक झाड़ है झाड़ में झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या हिसाब नहीं बनता बाप कहते हैं हे hey बच्चे तुम कितने बेसमझ बन गए हो समझा 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 के फिर समझदार बना देते कितने <laughs> बेसमझ समझ बन गए समझा समझा के समझदार बना देते <laughs> कितने बे समझ बन गए थे अभी तुम समझदार बनते हो पहले से ही तैयार हो जाते हो राज करने के लिए इतने समझदार बन जाते हो जो राज करने के लिए तैयार हो जाते हो हम राजाई के लिए तैयार होके जाते धर्म और राजाई दोनों स्थापन हो रहे हैं वो तो अकेले आते हैं फिर बाद में वृद्धि होती है धर्म पिता झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता उनसे फिर तीन ट्यूब्स निकलती हैं फिर छोटे छोटे मठ पंथ आते हैं वृद्धि होती है उनकी फिर कुछ महिमा हो जाती है परंतु फायदा तो कुछ भी नहीं ना सबको नीचे आना ही है सदगति में नहीं जाना है। तुमको अभी सारी, सारी नॉलेज मिल रही है कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल परंतु जानते नहीं क्या क्या नहीं जानते कि नॉलेज क्या है नॉलेजफुल तो है कौन सी नॉलेज में वो फुल है क्या नॉलेज है ये किसी को भी मालूम नहीं तुमको अभी नॉलेज मिल रही है नॉलेज सुनाने के लिए भगवान को आत्मा को प्रवेश करना पड़े ना परमात्मा को भी प्रवेश करना पड़े तो भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए ना नॉलेज देने के लिए मनुष्यों को मनुष्यों की भाषा में ही भगवान को बोलना है तो भगवान को भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए जब साधारण तन में आते हैं तब ये भाग्यशाली बनते हैं साधारण का भाग्य है कि भगवान उनमें आते हैं क्योंकि भगवान साधारण तन में आते हैं इसलिए वो भाग्यवान भाग्यशाली रथ बन जाते हैं सतयुग में सब पदमा पदम भाग्यशाली हैं अभी भाग्यशाली है फिर परमाप भाग्यशाली अब भगवान अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है जिससे तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो ज्ञान तो एक ही बार ही मिलता है धर्म पिता बीच में आके ज्ञान नहीं देते अच्छी चलन सिखाते हैं गुणमान बनाते हैं ज्ञान तो तुमको एक ही बारी मिलता है भक्ति में तो धक्के खाते रहते हो क्यों धक्के खाते हैं अंधेरा है ना ज्ञान नहीं है ज्ञान है दिन दिन में धक्के नहीं खाते सतयुग में धक्के नहीं खाते तो बाप कहते हैं घर में गीता पाठशाला खोलो बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो नहीं उठाते हम तो ज्ञान धारण नहीं कर सकते दूसरों के लिए जगह दे देते हैं मकान है यूज करने के लिए साधन दे देते हैं सेवा के लिए ये भी अच्छा है खुद नहीं चलते तो सेवा से अपना भाग्य तो बना लेते हैं ये भी अच्छा है फिर से अपने लिए अटेंशन यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए ये होलीस्ट ऑफ होली क्लास है ये होलीस्ट ऑफ होली क्लास है यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए यहाँ शांति में तुम बाप को याद करते हो हमको अब शांति धाम में जाना है इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है याद का बल योग का बल इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो तो बेहद का बाप है बेहद का वर्षा देने वाला तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए अहंकार नहीं आना चाहिए इस बात पर बाबा ध्यान दिला, दिला रहे हैं क्यों ध्यान दिला रहे हैं अहंकार का रिजल्ट क्या है अहंकार का रिजल्ट अहंकार गिरा देता है तो थमे रहे गिरे नहीं उसके लिए क्या चाहिए बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए हट नहीं चाहिए जिद का संस्कार हट का संस्कार नहीं चाहिए देह अभिमानी को हट कहा देह अभिमान को हट कहा जाता है और दूसरी बात क्या चाहिए धैर्यवत अवस्था चाहिए सोल कॉन्शियसनेस चाहिए तीसरी बात क्या चाहिए बहुत मीठा बनना है देवताएं कितने मीठे हैं कितनी कशिश होती है बाप तुमको ऐसा बनाते हैं देवताओं जैसा बनाते हैं मीठा कशिश वाला बनाते हैं तो जो ऐसा बनाते हैं ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए तो बच्चों को ये बातें बार बार सिमरण सिमरण कर हर्षित होना चाहिए इनको तो ब्रह्मा बाबा को तो निश्चय है कि हम शरीर छोड़कर ये बनेंगे वो लक्ष्मी नारायण का चित्र था ट्रांसलाइट वाला हिस्ट्री हॉल में और छोटा बेबी कृष्णा हम ये बनेंगे एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो पहले पहले देखना चाहिए वहां तो पढ़ाने वाले धारी टीचर होते हैं चाहे भक्ति में चाहे स्कूल में यहां पढ़ाने वाला निराकार बाप है जो आत्माओं को पढ़ाते हैं निराकार बाप हमको पढ़ाते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं है। ये चिंतन करने से ही खुशी होती है इनको नशा रहता है ब्रह्मा बाबा को निश्चय है खुशी है नशा है और निशाना पक्का है इनको नशा रहता है कि ब्रह्मा से विष्णु विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं ये वंडरफुल बातें सुनकर ही ये वंडरफुल बातें सुन के फिर क्या करनी है धारण करनी है हमको भी वो नशा निश्चय चाहिए ना धारण करनी है और फिर सुनानी है सुनकर धारण कर फिर सुनाते हो बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं बाकी ये समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे बाप का तो फर्ज है बच्चों को उठाना बाप सबको विश्व का मालिक बनाते हैं बाप कहते हैं मैं विश्व मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं बाप इस मुख द्वारा बैठ नॉलेज सुनाते हैं आकाशवाणी कहते हैं ना परंतु वो अर्थ नहीं समझते आकाशवाणी का मतलब क्या सच्ची आकाशवाणी तो ये है जो बाप ऊपर से आकर के इस गौ मुख द्वारा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं इस मुख से वाणी निकलती है ना इसलिए आकाशवाणी कहते हैं अच्छा बच्चे बहुत मीठे होते हैं कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ बाबा कहते जज्जी टोली बच्चे जज्जी बहुत सिंधी शब्द है अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं अच्छे बच्चे क्या कहेंगे अपने आप को हम बाबा के बच्चे भी हैं और हम सर्वेंट भी हैं अच्छे बच्चे बच्चे नहीं सर्वेंट भी हैं बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है इतने जो बॉम्ब्स बनाए हैं ऐसे ही फेंक देंगे क्या जो कल पहले हुआ था फिर से होगा समझते हैं विश्व में शांति हो परंतु ऐसे तो हो न सके विश्व में शांति तुम स्थापन करते हो हम है विश्व में शांति स्थापन करने वाले तुम ही विश्व की बादशाही की तुमको ही फिर विश्व की बादशाही की प्राइज मिलती है पीस प्राइज विश्व की बादशाही की हमको मिलती है देने वाला बाप है योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो शारीरिक बल से क्या होता है विश्व का विनाश होता है साइलेंस बल से तुम विजय पा लेते हो विक्ट्री है साइलेंस से अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते धारणा अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है बाप को फॉलो करना है किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है देवताओं जैसा मीठा बनना है सेकंड पॉइंट सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का स्मरण करते रहो विचार सागर मंथन करो हम भगवान के बच्चे भी हैं और सर्वेंट भी हैं इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी वरदान नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानित्व आत्मा भाव कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट जहां लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है ये राइट है ये अंधकार है ये प्रकाश है ये व्यर्थ है ये समर्थ है तो रॉन्ग समझने वाले रोंग समझने वाले रोंग कर्मों का व संकल्पों के बशीभूत नहीं हो सकते अगर माइट है नॉलेज तो, तो रोंग समझने वाले रोंग कर्म व संकल्पों के वशीभूत नहीं हो सकते ज्ञानी तो आत्मा ठट समझदार ज्ञान स्वरूप कभी ये नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए सिर्फ लाइट नहीं उनके पास कि ऐसा होना तो चाहिए नहीं लेकिन उनके पास रंग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति है नहीं तो सिर्फ लाइट रही माइट नहीं हुई फिर वो उनके पास रंग को राइट रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति है इसलिए नॉलेज इज माइट कहा जाता है स्लोगन अच्छा उनके पास रॉन्ग को राइट करने की परिवर्तन करने की शक्ति होती है ऐसी स्लोगन जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वो व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वो व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं ओम श्याम